ये गुरुद्वारा कोई 80 साल से पहले का है। गुरु नानक देव जी ने भी ऐसा ही चलाया था, उनकी चलाई हुई रीत है। किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे वहां लंगर मिलेगा ही, बड़ा हो या छोटा हो, रात को रहने की भी जगह मिलेगी, ठंडी में बिस्तरा मिलेगा, सुबह चाय का लंगर होता है, उसके साथ कुछ खाने के लिए देता है, बाद में 11 बजे के बाद अरदास होती है, उसके बाद लंगर प्रसादा चलेगा, चाहे जो नहीं बनाना आता वो खिला सकता है, जिसको बनाना आता वो बना भी सकता है, किसका मन चाहे सेवा करने को वो कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई भी आके जहाँ पे हिंदू मुसलमान हर एक के लिए थे, सभी के लिए कोई भी आके किसी वक्त भी खा सकता है। कोई गरीब लड़की की शादी हो तो वहाँ आके कर सकता है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, खाना बाना भी यहाँ से देते हैं। एक शिवजी जी का मंदिर है और एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है और साथ में गुरुद्वारा एक ही लैंड में है, तो बात को समझते हैं लोग, किसी ने क्या काम किया, अच्छा काम किसी ने किया है, उसको आगे भी मौका देना चाहिए।